नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मेहुल चौकसी ने पंजाब नेशनल बैंक में अरबों का घोटाला किया, फिलहाल वह डोमिनिका में कैद है और भारत सरकार उसे देश में लाने की कोशिशें कर रही है ताकि उसके ऊपर मुकदमा चलाया जा सके। मेहुल चौकसी ने पंजाब नेशनल बैंक को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन धोखेबाजी मेहुल चौकसी के खून में है। उसने बैंक और देश को धोखा दिया। धोखेबाजी में अव्वल मेहुल चौकसी ने अपनी बीवी और गर्लफ्रेंड को भी नहीं छोड़ा। मेहुल बेहद रंगीन मिजाज आदमी है और उसकी तमाम गर्लफ्रेंड है। इन गर्लफ्रेंडों में कुछ शादीशुदा महिलाएं भी शामिल हैं। फिलहाल हम बात कर रहे हैं मेहुल की गर्लफ्रेंड बारबरा चौब्रिका की, जिसके साथ मेहुल एंटीगुआ से डोमिनिका भाग गया था। बाद में वहां की पुलिस ने मेहुल चौकसी को गिरफ्तार कर लिया। अब उसकी गर्लफ्रेंड बारबरा मीडिया के सामने आई है और मेहुल के काले कारनामों की लिस्ट उजागर कर रही है। बारबरा ने बताया है कि मेहुल चौकसी ने उसके साथ भी धोखा किया। मेहुल ने बारबरा के सामने अपनी पहचान छुपाई थी और अपना नाम राज बताया था। मेहुल ने बारबरा को हीरे की अंगूठी और एक नेकलेस दिया जो बाद में हीरे का नहीं निकला। मेहुल ने बारबरा के साथ अपने फ्लैट में जबरदस्ती करने की भी कोशिश की। बाद में जब डोमिनिका की पुलिस ने मेहुल चौकसी को गिरफ्तार कर लिया और भारतीय एजेंसियां उसे देश में लाने के लिए पहुंच गईं, तो मेहुल ने खुद को बचाने के लिए डोमिनिका की अदालत में नई कहानी गढ़ी। मेहुल चौकसी ने अदालत को बताया कि बारबरा के जरिए भारतीय एजेंसियों ने उसके अपहरण का प्रयास किया। अब बारबरा ने सामने आकर इन आरोपों का जवाब दिया है। बारबरा ने बताया है कि मेहुल चौकसी उस पर झूठे आरोप लगा रहा है। बारबरा ने बताया कि उसके पास मेहुल के अपहरण के कई मौके थे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। बारबरा ने मीडिया के सामने अपने मोबाइल फ़ोन पर मेहुल चौकसी के तमाम मैसेज भी दिखाए, जिससे पता चलता है कि मेहुल चौकसी किस कदर बारबरा पर फिदा था। हालांकि इसके बावजूद मेहुल बारबरा का फ़ायदा उठाने और धोखा देने की कोशिश करता रहा। मेहुल चौकसी को डोमिनिका पुलिस ने बुधवार शाम को कथित तौर पर लापता होने के बाद गिरफ्तार कर लिया था। तब से वह डोमिनिका पुलिस की हिरासत में है। एंटीगुआ के पीएम ने पहले कहा था कि वह चौकसी को अपने देश में वापस नहीं लेंगे और वह चाहते हैं कि उन्हें सीधे भारत वापस लाया जाए। डोमिनिका कोर्ट ने हालांकि उनके प्रत्यर्पण पर रोक लगा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन।